कोरोना से बिगड़ते हालातों के बीच सीपीटी की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े किए हैं। इस बैठक में सोनिया गांधी ने कोरोना के हालात को लेकर सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की, साथ ही स्टैंडिंग कमेटी से भी हालात पर नजर बनाने की अपील की। सोनिया गांधी ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में मोदी सरकार नाकाम साबित हुई है, ऐसे में दूरदर्शी नेतृत्व के द्वारा ही समस्या का समाधान मुमकिन है। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ समरता प्रीत किरण इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रीत, देखिए देश के हालात पर सोनिया गांधी ने सवाल उठाए हैं। केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर के सीपीपी की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें सोनिया गांधी ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। क्या इस बैठक का प्रमुख एजेंडा और क्या मुख्य बातें रही प्रीत? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना को लेकर देश भर में हालात हैं, उसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी की ओर से तमाम महासचिव शामिल हुए। जिस तरीके से शक्ति सिंह गोहिल, शशि थरूर और तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अधीर रंजन चौधरी, पांच राज्यों में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की हार हुई है उसकी समीक्षा, साथ में देश भर में जो कोरोना को लेकर हालात है उसकी समीक्षा आज उस बैठक में की गई। हालांकि राहुल गांधी जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को भी एक पत्र लिखा गया है आज ही, जिसमें उन्होंने सजेस्ट किया कि किस तरीके से कोरोना के नए स्ट्रेन को रोका जाए। जिस तरीके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में नया स्ट्रेन जिस तरीके से पाया गया है, दिल्ली सरकार ने इसको लेके दिल्ली में एंट्री करने वाले लोगों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये भी कहा है कि जो लोग आएंगे वो टेस्ट करा के आएंगे 72 घंटे के भीतर, साथ में और ये भी कहा है कि क्वारंटाइन होने की जरूरत है। ठीक इसी अंदाज में राहुल गांधी की तरफ से ये सजेस्ट किया गया। तमाम पार्टी के महासचिवों से कांग्रेस अध्यक्ष ने ये कहा कि अलग अलग राज्यों में किस तरीके के हालात हैं उसको लेके कांग्रेस के तमाम जो पीसीसी हैं, जो भी कांग्रेस के मुख्यालय है, वहां से राहत पहुंचाने के लिए हाई लेवल पे लोगों की मदद की जाए, कंट्रोल रूम स्थापित किए जाए, जिस तरीके से पहले भी कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से ये कहा गया। साथ में राज्य सरकारों की तरफ से क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं ये समीक्षा की जाए, और साथ में केंद्र सरकार को भी चेताया गया इस बैठक में कि अगर सही समय पे केंद्र सरकार की तरफ से स्टेप्स नहीं उठाए गए तो जिस तरीके से दूसरी लहर आई है तीसरी लहर भी आ सकती है, और जिस तरीके से लोगों की जाने जा रही हैं ऑक्सीजन की कमी से, दवाइयों की कमी से, वैक्सीनेशन की कमी से, ये कहीं ना कहीं बदतर हालात को बना देंगे। आज की बैठक में कोरोना को लेके कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से केंद्र सरकार को कुछ बिंदुओं पे सजेशन भी दिया जाएगा आप बैठक के बाद कि क्या कुछ स्टेप्स उठाए जाए। हालांकि राहुल गांधी ने बैठक के पहले ही कुछ सजेशंस मोदी सरकार को दिए हैं। प्रीत, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये हो जाता है कि जैसे राहुल गांधी और कांग्रेस और तमाम विपक्षी जो पार्टियां हैं फिलहाल नेशनल लॉकडाउन की जो कोशिशें हैं, गुजारिश है, वो कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्या इस चीज का कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि राजस्थान ने लॉकडाउन लगा दिया है और राजस्थान वो राज्य है जिसने पहली वेव में भी सबसे पहले वो राज्य बना था जिसने लॉकडाउन लगाया था, राजस्थान की तर्ज पर बाकी सभी ने बाद में बारी बारी से लगाया। क्या देश भर में अलग अलग राज्य इस बार लॉकडाउन लगाएंगे या फिर सभी नीतियों से प्रभावित होकर और विपक्ष से प्रभावित होकर मोदी सरकार अंततः ये फैसला ले सकती है नेशनल लॉकडाउन का? देखिए, आज का जो पत्र लिखा गया, जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये कहा कि देश में जिस तरीके की नीतियां बनाई गई और ये कहीं ना कहीं सफलता से पहले ही अपनी पीठ थपथपाली गई, इसको लेके कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पे निशाना साधा। ये कहा कि अब जो हालात हैं वो एक तरीके से देशव्यापी लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं। एक समय कांग्रेस के महासचिव की तरफ से आज की बैठक में ये कहा गया, एक समय जब 5,000 केस थे देश में तो लॉकडाउन लगा दिया गया, लेकिन अब हर दिन 3 से 4 लाख केसेस आ रहे हैं, लेकिन देशव्यापी लॉकडाउन नहीं अनाउंस किया जा रहा है।
है, राज्य सरकारें अपने अपने लेवल पे स्टेप उठा रही हैं, लेकिन वो नाकाफी है। केंद्र सरकार को इस चुनौती को किस तरीके से निपटना है, आगे का क्या प्लान है, इसको पारदर्शी तरीके से सरकार के सामने रखना होगा। आज की इस बैठक में अलग अलग महासचिव की तरफ से क्या कुछ स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है, विपक्षी दल होने के नाते केंद्र सरकार से क्या कुछ मांग की जा सकती है, आज की इस बैठक में ये चर्चा की गई कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से। जी चलिए प्रीत, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए। तो सोनिया गांधी ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। सीपीपी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के द्वारा मोदी सरकार को नाकाम बताया गया है कोरोना के संबंध में व्यवस्थाएं करने की वजह से।